हेलो एवरीवन। सो कल आपका जो नीट है उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो आप लोगों के बहुत सारे कंटिन्यूस मैसेजेस आ रहे थे। सो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। तो फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे सारी जितने आपके क्वेश्चन हैं मैं एक एक करके सबको क्लियर करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ कि कितने मार्क्स पे आप सेफ हैं या नहीं, पहला जो आप लोगों का डाउट है कि हमें कितने स्कोर पे हम सेफ हैं। तो पहली चीज़, इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि जो इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है उसमें उन्होंने ऐसा नहीं मेंशन किया है कि आपको 300 मार्क्स चाहिए, 400, 150, उन्होंने जस्ट मेंशन किया है कि नीट क्वालिफाइड। ठीक है, तो अब इसमें क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया होता है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। जैसे जनरल के लिए अलग होता है, ओबीसी के लिए अलग होता है और SC ST के लिए अलग होता है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप क्वालिफाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इंडियन आर्मी है उसमें ओबीसी के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं होता है। तो ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप लोगों को अपना जो मार्क्स है वो सिमिलर करना है जनरल वालों से। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर है तो आप लोगों का ये डाउट है कि हम फाइनल लिस्ट में इन होंगे या नहीं होंगे। इतना मत सोचिए कि हम फाइनल लिस्ट में इन होंगे कि नहीं होंगे, उन्होंने जो अभी क्राइटेरिया मेंशन किया उसको फॉलो करिए। ठीक है, अब एक दो दिन बाद तो आपका इंडियन आर्मी भी नोटिफिकेशन रिलीज कर देगी तो आप लोग वहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं बाकी डिटेल्स आप लोगों को बता दूंगी। एंड इसके बाद दूसरी चीज़ कि आप लोगों में से बहुत सारे लिख रहे हैं कि आपने मार्कशीट अपलोड कर दी या नहीं करी है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि आपको मार्कशीट अपलोड करनी है नहीं करनी है। जब अपडेट्स होंगे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो एक चीज़ और आपके यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये है कि आप लोग परेशान मत होइए, घबराइए मत कि कितने मार्क्स पे क्या होगा। जितना आपने अभी किया है, आपके पास टाइम कम था, आपने उतने टाइम में अगर बेस्ट दिया है तो आप CBT के लिए फोकस्ड होकर तैयारी करिए। ठीक है, क्योंकि CBT में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये भी आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आप मत ध्यान दीजिए कि मेरे फ्रेंड के 500 आ रहे हैं और मेरे 100 ही आ रहे हैं। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ठीक है, आप जस्ट अपने पे ध्यान दीजिए और अपने उस पे करिए। एंड फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी रिलीज करेगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। ठीक है।